क्या आपके फोन में दो सिम लगा हुआ है और आप चाहते हैं एक सिम फोन में बंद कर दें और एक सिम को यूज करें, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोन में दो सिम है तो एक सिम कैसे बंद कर सकते हो। सो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आपको अपने फोन में फोन सेटिंग को ओपन करना है। आप इस तरह खोजेंगे तो आपको यहाँ मिल जाता है सेटिंग्स। सेटिंग्स पर क्लिक करके ओपन करना है। अगर आपको यहाँ इस तरह से ना मिले सेटिंग, तो आप यहाँ सर्च बार ऊपर या नीचे आपका हो सकता है, आप यहाँ सर्च बार पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सेटिंग्स। सेटिंग्स सर्च करने पर यहाँ दिख रहा होगा आ गया है। आपको यहाँ सेटिंग आइकन यानी सेटिंग वाले लोगो पर क्लिक करके ओपन करना है सेटिंग। इसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट। आप यहाँ देखिए आपके फोन में नेटवर्क सेटिंग हो सकता है या नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग हो सकता है। आप यहाँ देखिए इस तरह आ जाते हैं। किसी किसी फोन में कोई और ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे कि आपके सामने एक और फोन में सेटिंग ओपन करता हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा इस फोन में सिम एंड नेटवर्क सेटिंग दिख रहा है। इसमें नेटवर्क एंड इंटरनेट आप यहाँ क्लिक करके आप अपने सिम को बंद कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा इसमें दो सिम नहीं है, एक सिम लगा हुआ है। यहाँ देखिए एयरटेल है और यहाँ दिख रहा होगा सिम टू में नो सिम कार्ड दिखा रहा है। इसका मतलब एक सिम है, इसमें एक सिम नहीं है। अगर दो सिम होता तो मैं आपको बता देता। इस फोन में दो सिम है तो मैं आपके सामने बताता हूँ सिम कैसे बंद कर सकते हैं, एक और एक को चालू कैसे रख सकते हैं। आप यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट। आपको यहाँ नेटवर्क एंड इंटरनेट या सिम नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ दिख रहा होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, या आपके फोन में सिम कार्ड का ऑप्शन आ सकता है या मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन आ सकता है। आपका यहाँ ऊपर या नीचे हो सकता है। आप इस तरह क्लिक करने के बाद आप अपने सिम को बंद या चालू कर सकते हो। आप यहाँ देखिए मेरे में यहाँ दिख रहा होगा नीचे में सिम कार्ड इन्फो एंड सेटिंग्स। यहीं से आप अपने सिम को बंद या चालू कर सकते हो। जैसे कि आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा दो सिम कार्ड लगा हुआ है इस फोन में, और दोनों में आपको यहाँ दिख रहा होगा नेटवर्क आया हुआ है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप यहाँ देखिए दोनों सिम जियो का है। आपके सामने एक बंद करके दिखाता हूँ। बंद करने के लिए आपको यहाँ सिम वन या सिम टू पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं सिम वन बंद हो जाए सिम, और सिम टू से ही हर काम हो, कॉल वगैरह इंटरनेट वगैरह सिम टू से ही हो, तो आप यहाँ क्या करेंगे सिम वन पर क्लिक करके इसे बंद कर देंगे। जिसके आपको यहाँ दिख रहा होगा इनेबल सिम कार्ड, ये इनेबल है, आप इस पर क्लिक करके ऑफ कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर दिख रहा होगा नेटवर्क सिंगल दिख रहा होगा। यहाँ देखिए एक सिम बंद हो चुका है, नेटवर्क भी गायब हो चुका है। आप यहाँ बैंक आकर के देखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा सिर्फ एक जियो सिम दिख रहा होगा और एक सिग्नल आपको यहाँ दिख रहा होगा नेटवर्क का। आप यहाँ देखिए इस तरह आप आसानी से आप अपने मोबाइल में जो सिम लगे हुए हैं दो, एक को बंद कर सकते हो बड़ी आसानी से। अगर आप भविष्य में चालू करना चाहते हैं तो फिर से आएंगे यहाँ पर सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर आना है इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ नेटवर्क एंड इंटरनेट या सिम कार्ड नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने सिम को जो ऑफ किया हुआ है, बंद किया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑन कर लेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा सिम। जैसे कि आप यहाँ देखिए नेटवर्क आ चुका है दोनों सिम का और ये सिम चालू हो चुका है। इस तरह आप आसानी से आप अगर दो सिम लगाए हुए हैं अपने फ़ोन में तो एक सिम को बंद करके दूसरे सिम को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हमने आपको बता दिया है, आप यहाँ देखिए एक सिम चालू है और दूसरा सिम बंद हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।